अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि सऊदी अरब में अगर आप जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो या कुवैत जा रहे हो, तो मेडिकल कैसे चेक होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, और कौन कौन सा, मतलब अगर आप हाउस बॉय में जा रहे हो तो उसका मेडिकल अलग होता है, और ड्राइवरी में जा रहे हो तो उसका मेडिकल अलग होता है, अगर आप कहीं कंपनी में कोई मतलब जॉब करते हो तो उसका मेडिकल अलग होता है, हर कैटेगरी का मेडिकल अलग अलग होता है। तो आप किस कैटेगरी में जा रहे हो उसका मेडिकल अलग ही होगा। जैसे अगर आप ड्राइविंग में जा रहे हो तो उसका मेडिकल आप पहले GCC साइड से अपना गम का कटवाओ। गम का कटता है 1000 रुपये लेते हैं मिनिमम, $10 कटता है, लेकिन 1000 रुपये हर ऑफिस वाला चार्ज करता है। तो आप 1000 रुपये उसको दे करके आप अपना गम का कटाओ। तो गम का कटने के बाद दोस्तों वो बताएगा कौन से मेडिकल सेंटर में आपका मेडिकल होना है। उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है दोस्तों, वहाँ पे मेडिकल के लिए आपको जाना है। फिर वहाँ पे आप जाओगे तो अगर सऊदी के लिए आ रहे हो तो 5500 रुपये फ़ीस है, अब अगर आप कुवैत के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे 4500 रुपये फ़ीस है कुवैत के लिए। तो अगर आप सऊदी के लिए आ रहे हो तो 5500 रुपये वो लोग आपसे पहले फ़ीस ले लेंगे, उसके बाद आपको फिर अंदर भेजेंगे, वहाँ पे नंबर लगेगा आपका, फिर आपका पहले होगा एक्स्रा। हालांकि हर मेडिकल सेंटर में अलग अलग होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पहले एक्स्रा आपका होगा। एक्स्रा होगा, एक्स्रा होने के बाद अगर आप ड्राइविंग में आ रहे हो तो पहले आपका एक्स्रा होगा। एक्स्रा होने के बाद फिर दोस्तों उसके बाद वहाँ से निकालेंगे आपको, फिर यहाँ पे आएंगे चेक करने के लिए, दूसरी जगह आपको दूसरे रूम में भेजेंगे चेक करने के लिए। तो वहाँ पर आपका देखेंगे पूरी बॉडी पे, कपड़ा उतार के देखेंगे। हालांकि कोई कोई मेडिकल सेंटर वाले नहीं उतारते हैं पूरे कपड़े, लेकिन ज़्यादातर उतार देते हैं पूरे कपड़े, पूरा नंगा कर देते हैं। फिर चेक करते हैं कि आपके मतलब कहीं कटा पिटा तो नहीं है आपको, या आपका हाइड्रोसील तो नहीं है, ये सब देखेंगे। उसके बाद आपका फिर वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा, चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपका वज़न तौलेंगे कि कितना आपका वज़न है। आप वज़न अपना तौलने के बाद फिर दोस्तों अगर आप ड्राइविंग में आ रहे हो तो दोस्तों आपको एक सामने LCD रखेंगे, उस पर नंबर आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताना रहेगा कि उसमें क्या क्या नंबर है, क्या नंबर नहीं है, मतलब वो हर तरीके से पूछते हैं। पहले गिनती पूछेंगे, फिर उसके बाद वो बिंदी टाइप का एक आता है, उसके अंदर भी लिखा रहता है, उसको कलर बैंड, ज़्यादातर लोग उसी में फेल हो जाते हैं। हम भी उसी में फेल हो गए थे, तो हमने 20,000 रुपये एजेंट को दिया था, तब उसने हमको पास कराया था। वो कलर बैंड में वो कापी की तरह आता है, उसमें फ़ेल हो गए थे। तो उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते क्योंकि उसके अंदर अक्षर कलर से कलर में लिखा रहता है, तो जान पता नहीं चलता है कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, उसके बाद अगर उसमें पास हो गए तो उसके बाद फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट होने के बाद दोस्तों कभी कभी यूरिन पेशाब भी चेक करते हैं, हालांकि हम आए तो अब की बार चेक नहीं हुआ था। तो ये तो हो गया मेडिकल इसका ड्राइविंग का, इसमें ब्लड चेक करते हैं, एक्स्रा चेक करते हैं, आपको पूरे कपड़े चेक करेंगे उतार के कि हाँ आपको कुछ कटा पिटा तो नहीं है। उसके बाद फिर आपका आँख मतलब चेक करेंगे कि आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको भेज देंगे, बोलेंगे कि आप जाओ, फिर उसकी रिपोर्ट आपको तो शाम को देंगे या तो फिर दूसरे दिन देंगे 4 बजे। और रिपोर्ट ज़्यादातर बनती है भाई शाम को 4 ही बजे, जितने मेडिकल सेंटर वाले शाम को 4 ही बजे रिपोर्ट देते हैं 99%। तो वो शाम को 4 बजे बोलेंगे कि आपको फिट या अनफिट का मैसेज आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया दोस्तों मतलब ड्राइविंग का। और अगर आप हाउस बॉय में आ रहे हो तो उसमें आपकी आंखें नहीं चेक करते हैं, बाकी प्रोसेस वही रहता है, सब कुछ चेक करते हैं। बस अगर आप हाउस बॉय में आ रहे हो तो उसके लिए आपको आंख नहीं चेक करते हैं, बाकी सारा वही रहेगा कि आपका वज़न तोलेंगे, आपको जो है वो सब करेंगे, जो बताया वो सब करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों इसीलिए हमने बनाया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि मेडिकल कराने से पहले क्या क्या मतलब प्रोसेस होता है, क्या क्या मतलब वो लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।